हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, आज का जो मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया है, मैंने कुछ गाइस मंगवाया है, कुछ ऑर्डर किया है, बट मुझे नहीं पता कि क्या आया है, क्योंकि मैंने ना तीन चार चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। अब दोनों में तीनों में से क्या चीज़ आई है पता नहीं। बॉक्स है बहुत ज़्यादा बड़ा, बिगेस्ट साइज़ का। अब इसमें देखते हैं कि क्या निकलता है, क्योंकि मतलब कुछ भी निकल सकता है दो तीन चीज़ों में से, बट मुझे जो लग रहा है शायद वही होगा। मैंने अपने मंदिर के लिए मंगवाया है ये। वैसे भाई देखते हैं कितना यूज़फुल रहता है कितना नहीं। अब इसको कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिव्यू देती हूँ कट करके कि ये कैसा आया है। और अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ है हमारा, सुबह सुबह ही ऑर्डर वाले भैया आ गए जल्दी से। इसकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि आई थिंक वही है जो मैं सोच रही हूँ, मेरे हिसाब से शायद। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, मतलब मुझे मेरे मंदिर के लिए कुछ लेना था। जैसे मुझे जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनकी ड्रेसेस हो जाती हैं, क्योंकि मंदिर का ना बहुत सारा सामान हो जाता है, तो उसको अच्छे से टोकरियों में डालो, ये करो वो करो, तो इस वजह से ना बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने कहा शायद उसमें ये काम आ सकता है, क्योंकि सबको ही ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो देखो घर कितना भी बड़ा हो जाए, बट हमें स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा क्या है, जितना बड़ा घर होगा उतना ही ज़्यादा सामान बढ़ता जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं, ये वही है जो मैं सोच रही थी। ठीक है, तो इसको बॉक्स को ही ना उल्टा करके निकाल लेती हूँ तो बढ़िया रहेगा। देखते हैं, वेट जस्ट वेट। देखते हैं अब इसमें क्या निकलने वाला है। ओह माय गॉड, वही निकला है। ये गाइस, ये हैं जो स्टोरेज वाले ड्रॉर्स होते हैं ना, ये मैंने मंगवाया है अच्छे वाला। मतलब अपनी तरफ से तो अच्छे वाला ही मंगवाया है, अब निकलता कैसा है वो तो देखने के बाद पता लगेगा हमें कि क्वालिटी कैसी देते हैं वो लोग। गाइज, मैंने ये मंगवाया है, स्टोरेज वाले जो ड्रॉर्स आते हैं ना, मैंने वो मंगवाया है। अभी मैं आपको अच्छे से ना, मतलब कैसे करके इसको लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ बना के, कि इसको हम कैसे बनाने वाले हैं। ये मैं बहुत दिनों से मंगवाने की सोच रही थी, बट क्या है, मैं ही सोच रही थी यार, मतलब लोकल मार्केट से लूँ या ऑनलाइन परचेज करूँ। फिर मैंने इसको लोकल मार्केट से ना लेके इसको ऑनलाइन ही मंगवाया है, क्योंकि लोकल मार्केट अब वही है ना, पता नहीं मतलब क्या चीज़ कैसी है, कोई आइडिया नहीं लगा सकते उसका हम। बट ऑनलाइन का ये है ना कि क्लेम हो जाता है। अब लोकल मार्केट से हम लोग लेंगे ना, अगर कोई दिक्कत निकल जाती है तो वो लोग रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा ना किचकिच करते हैं। और मतलब जब आप, ओ माई गॉड, इसमें भी ये ब्रेक आया है, शिट डैमेज, ओ नो यार, मैंने इतने मन से मंगवाया था, सारा डैमेज है, ओ नो। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, क्लोज करके दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे आया है, शिट, इतना सोचा था कि चलो यार प्रिपेयर हो जाएगा अभी और काम आ जाएगा। सो गाइस, अब मैं इसको तो नहीं करूँगी, स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इस वजह से इसको मैं पैक करके दोबारा से रख दूँगी रिटर्न के लिए। रिटर्न के लिए एप्लीकेशन मुझे डालनी पड़ेगी, बट मैं फिर भी बता दूँगी कि मैंने क्या मंगवाया है। देखो यहाँ पर पिक्चर आपको मेंशन हो रही होगी, आप देख सकते हो। वैसे तो देखो बहुत यूज़फुल चीज़ थी ये, बट अब नहीं अच्छी आई है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ। बट मुझे अभी ही रिटर्न रिक्वेस्ट इसकी रेज करनी पड़ेगी कि भाई ऐसी चीज़ ख़राब आई है। मैंने एक्चुअली में और भी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, देखते हैं वो आज डिलीवर होंगी या नहीं होंगी। तो इस व्लॉग को तो मैं अभी यहीं पे छोड़ने वाली हूँ, फिर दूसरा व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। सो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको। सो गाइस, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सेकेंड ऑर्डर भी आ चुका है, अभी आधी गया लेने के लिए नीचे। अब मैं वो भी ऑर्डर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँगी। एक ऑर्डर में उदासी है, दूसरे में देखते हैं कि क्या निकलता है। स्टे ट्यून्ड। लाओ जी, हमारा ऑर्डर आ गया है, रख दो, थैंक यू।
सो गाइस अब कर देते हैं अपनी उदासी खत्म, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे ऑर्डर पे। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। अब ये सेकंड ऑर्डर कर लेते हैं अपना अनबॉक्स, जो बहुत अच्छी पैकिंग में आया। देखते हैं इसमें क्या निकलने वाला है, एक सेकंड देख लेते हैं फिर भी, क्योंकि मैं बता रही थी ना आपको मैंने कई ऑर्डर्स किए हुए हैं, पता नहीं क्या आ रहा है। और आज देखो कोइंसिडेंटली ये भी आ गया और दोनों ऑर्डर मेरे एक साथ ही आ गए। पैकिंग तो बहुत अच्छी की है यार। वैसे ना एक बात कहनी पड़ेगी, मीशो वाले ना पैकिंग भी ना बहुत गंदी करके भेजते हैं, मतलब अच्छी नहीं करते पैकिंग। तो ये जो इनकी पैकिंग की वजह से ये कांड हुआ है कि ये मतलब मेरा जो है वो ब्रोकन निकला है, टूटा हुआ, बट मैंने उसकी कंप्लेंट रेज कर दी है, रिटर्न हो जाएगा आई थिंक। तो शायद कल तक ले जाएंगे रिटर्न, फिर वो पेमेंट भी इनिशिएट हो जाएगी मेरे अकाउंट में। तो अब कर लेते हैं इसको अनबॉक्स बहुत एक्साइटमेंट के साथ में, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। बहुत टाइम से मैं इसको मंगवाने की सोच रही थी, बट मैं डिले चल रहा था कि यार क्या करना है इसका, क्या करना है। और फाइनली मैंने ये मंगवा लिया है, पैकिंग लिटरली बहुत अच्छी आई है। हम जैसे किसी से सामान वैसे परचेस करके लाते हैं ना, तो ऐसे ही थैले में डाल के दे देते हैं, बट ये है कि ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं ना, तो वो अच्छे से तो बहुत आती है, कुछ भी कहो यार, मतलब पैकेजिंग उसकी बड़ी शानदार होती है, ठीक है। तो बातें ना करते हुए, जिसका आप लोग कर रहे हो बेसब्री से इंतज़ार, वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट, मैं इसकी टेप्स ना कट कर लूँ, क्योंकि वो जो थर्माकोल है वो अच्छे से निकलेगा नहीं, नहीं तो, और थर्माकोल नहीं निकलेगा तो फिर हमारा बॉक्स कैसे निकलेगा बाहर, जो हमने मंगवाया सब भाई रे। अरे भाइयो बहुत भारी सही हो तो, अरे बड़ी मेहनत ला गई भाई थर्माकोल में तो, गणेश की ये लो जी, हाँ आ गया बाहर। करें इसकी अनबॉक्सिंग करें, 1 2 उल्टा है क्या, मुझे उल्टा ही लग रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो अब करते हैं 1 2 3 लेकिन आपको तो दिखाई नहीं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ गाइस। ये है कुछ शस्त्र यस्त्र, आपको पता होगा, वाओ ओह माय गॉड, जादू है रे जादू थारी बाता में। आपको पता होगा कि हमारे 2 फ्लोर्स हैं, तो मेरे 1 फ्लोर पे तो चकला बेलन था, बट दूसरे पे नहीं था, तो मैंने ये बढ़िया मार्बल वाला चकला बेलन मंगवाया से, दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये है चकला और इसी के मैचिंग का है बेलन, और यार बड़ा हैवी पीस है, मतलब कुछ भी कहो, अच्छी क्वालिटी अच्छी है, नॉट बैड, ठीक है। जो शॉपिंग थी हमारी अच्छी रही, फिर भी मैं आपको इसका बेलन भी दिखा देती हूँ। अब जैसा मुझे चाहिए था वैसा आ गया है, एक सेकेंड, ये रहा, ये उस हमारा बेलन जिससे कदे कदे हम लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं जी, कदे गुस्सा आवे वरचासी को ले, वरसाची को, और सीधा मारो सर पे धाड़। ये हमारा बेलन कैसा लगे सर जी, कैसा लग रहा गाइस कमेंट कर देना मुझे। मेरा सेकंड जो ऑर्डर है वो तो हुआ सफल, बहुत अच्छी कोटिंग है यार, वेरी नाइस। ये है मेरा चकला बेलन जो मैंने ऑर्डर किया है, और ये देखो मार्बल में है, प्योर मार्बल, बहुत भारी है, प्योर मार्बल में है कि मतलब मुझसे उठ नहीं रहा, आप देख सकते हो मार्बल आपको शो हो रहा होगा, चमक रहा होगा, ठीक है। तो ये सामने प्रिंट है, प्रिंट मतलब ये उतरने वाला नहीं है, ये इसके अंदर ही वो होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, पॉलिश वगैरह करके अच्छे से करके इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा, मतलब सॉफ्ट सी फिनिशिंग है इसकी। चलो जो सोचा था वैसा ही पाया मैंने, ठीक है। तो अब करते हैं व्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।